हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद चौरसिया में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि जो हमारे 2021 में नया कांस्टेबल लोग ज्वाइन किए थे, इन लोगों ने अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल पे जो व्यक्ति नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का यानी बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे महिला कांस्टेबल लोग सभी लोग वर्दी पहनकर अपने अपने गाड़ियों पे बैठ गए हैं। उसके बाद कुछ लोग अभी नीचे में खड़े हैं जो गाड़ी की वेट कर रहे हैं, और यहाँ से इन लोगों को 200 किलोमीटर यानी 200 से 250 किलोमीटर दूरी तक जाना है इनकी ट्रेनिंग सेंटर। और उसके बाद जो हमारे सिविल में जो हमारे कांस्टेबल लोग दिख रहे हैं, ये नेक्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। इनकी ट्रेनिंग महिलाएं की ट्रेनिंग सेंटर दूसरे जगह पे है और पुरुष की ट्रेनिंग सेंटर दूसरे जगह पे है। तो अभी फ़िलहाल हमारे महिला सारी महिला कांस्टेबल लोग जो हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं, और जो पुरुष बचे हुए यहाँ पर हैं ये मॉर्निंग में आज ट्रेनिंग सेंटर के लिए ये भी अपना प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों देखिए कितना खुशी इन लोगों में है। ये लोग हम जब मानते हैं इस बात को कि पुलिस प्रशासन के लिए ट्रेनिंग बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है, और इस ट्रेनिंग को प्राप्त करने के लिए जिगर होनी चाहिए दोस्तों, और इन लोगों ने अपनी हौसला को बुलंद रखे हैं। ये तो ये दूर की बात है। हमारे देखिए महिला कांस्टेबल भी अपने आप को बहुत खुश और बुलंद नज़र आ रहे हैं ट्रेनिंग में जाने के समय। दोस्तों, ट्रेनिंग में होना या ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन अपनी हौसले और बुलंद के साथ ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं। और दोस्तों, हमें उम्मीद और विश्वास है कि इन लोगों ने अच्छी से ट्रेनिंग प्राप्त कर अपने कैंपस फिर पुनः वापस आएंगे। इन लोगों को अभी यहाँ से हथदा स्टेशन के पास छोड़ा जाएगा। वहाँ से बड़ी बड़ी कोच लगी हुई है, और उस कोच पर बैठ कर बाय रोड ये लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे बिहार सैन्य पुलिस 8 बेगूसराय के कैंपस है, और इसी कैंपस से ये लोगों ने प्रस्थान करे हैं। दोस्तों, यहाँ पे और सारे लोग जो हैं, ये लोग भी अपनी जाने के लिए अपनी ट्रेनिंग के विषय में अपने सीनियर लोग से थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे हैं। देखो दोस्तों, ये महिलाएँ लोग कितनी खुश होकर अपनी ट्रेनिंग सेंटर के लिए प्रस्थान करें, कितनी खुशी इन लोगों के फेस पे, इन लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी दिख रही है। बहुत अच्छी बात है, ट्रेनिंग मन से जाकर करें। और यहाँ पर अपने दोस्तों को अपनी हंसी खुशी देकर यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए दोस्तों, इन लोगों को अपनी विदाई के लिए अपने दोस्तों को रोड पर आकर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, इन लोग को भी थोड़ी गम है कि आपस में एक साथ रहकर बिछड़ने का गम। दोस्तों, अब मैं दिखा रहा हूँ ये जो हमारे कांस्टेबल लोग जो हैं, पुरुष कांस्टेबल जो बेगूसराय स्टेशन पे तकरीबन 150 कांस्टेबल लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इन लोगों की रात्रि 11 बजे की ट्रेन है। इस ट्रेन से डुमराव जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग सेंटर डुमराव है। और देखिए यहाँ पे कितने खुशहाल लोग कितने खुशी से अपने स्टेशन पे समय को बिता रहे हैं। और यहाँ पे एक दो सीनियर आए हुए हैं जो कि अपने सीनियर से लगातार ट्रेनिंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ट्रेनिंग किस प्रकार से होगा और किस तरह से होगी, हर एक छोटी छोटी सी जानकारियाँ ट्रेनिंग के विषय में ले रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने सीनियर जो सीनियर हैं वो सारे लड़के को बता रहे हैं किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है और किस तरह से ट्रेनिंग का डिसिप्लिन होता है, किस तरह से ट्रेनिंग सेंटर में रहना है। दोस्तों, आप लोगों ने देख रहे हैं इन सभी जवानों को चेहरे पे कितनी हंसी और खुशी है, ये जानते हुए कि हमने ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, और ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ता है। दोस्तों, ये सब जानते हुए भी इन लोगों की जवान की मनोबल कितना हाई है, और कितना खुशी से अपनी ट्रेनिंग सेंटर के लिए जा रहे हैं और अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, अपने साथियों से मिले, आपस में सभी लोग अपने अपने यादों के लिए सेल्फी भी खींच रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी सभी लोग अपने अपने साथियों के साथ सेल्फी लेने में लगे हुए हैं, ताकि ये यादें भविष्य में कभी
अपने आप को देखें तो ये आधे आधे एहसास हो गए, आधे महसूस करें कि हाँ मैंने ट्रेनिंग सेंटर के लिए यहाँ से बेगूसराय से मूव कर किए थे और अपने रेलवे स्टेशन रेलवे द्वारा होते हुए ट्रेनिंग सेंटर में गए थे। दोस्तों मैं भी सारे जवानों के साथ अपना सेल्फी खींचा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देख रहे होंगे जो यहाँ पे मैंने सिविल जो सिविल में है वो मैं कोई और नहीं मैं खुद हूँ दोस्तों, और हम अपने जवानों के साथ किस तरह से सेल्फी का मतलब सेल्फी का आनंद ले रहे हैं। फिर आएंगे और यहाँ पे हमारे एक दो और सीनियर आए हैं जो कि आपको सिविल में दिखेंगे। अपने जवानों ने उनको घेर कर कुछ कुछ जानकारियाँ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहा है और उसके बाद में कुछ। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जर्निंग हैप्पी जर्निंग में किस तरह से एंजॉय के रूप में एंजॉय करते हुए जर्निंग करते हैं। सब फोटो व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी शेयर होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसको वीडियो बनाएंगे। आशीर्वाद देते रहिए हमको चले। सर यहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट खाली करवा दीजिए ना, जैसे लाए हैं तरफ से घूम के लीजिए खाने के अध्यक्ष साहब। आगे सर आगे इधर सर इधर घुमा लीजिए चार ओर सर चार ओर अरविंद सर इधर हमको टोटल 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 अरविंद सर सर एक बार सर नीचे मुझे सब आ गए फैन है सर एकदम एकदम थैंक यू बहुत बड़ा फैन सबको दे दीजिए सर हमको नहीं लिया दरोगा जी के नहीं लिए हटिए ना आइए दरोगा जी दरोगा जी तो छा गए हैं तो हम अलग रूप में है सर ये मेरे दोस्त हैं और मेरे सर हैं। मैं भी हूँ हम तो है सर आपके लिए लेकिन पर क्या कर सर हम सर जी जय हिंद जय हिंद अभी आया सर अभी भी कैमरे में है आप कैमरे में अभी सब आज देखेंगे सर आज देखेंगे सर
रिपोर्ट आई एम रिपोर्टिंग सर।